फ्रेंड्स आज हम लोग आए हैं गोलकुंडा फोर्ट। ये है गेट ऑफ बालाहिसार। फ्रेंड्स यहाँ पे ताली बजाते हैं तो आवाज गूंजती है। फ्रेंड्स ये नगीना गार्डन। फ्रेंड्स ये देखिए पूरे फोर्ट का व्यू है। फ्रेंड्स ये रामदास की जेल। पूरे फोर्ट को बनाने के लिए 3 डायनेस्टीज चली गई और टोटल 60 ईयर्स लगे। ये दीवाने आम और दीवाने खास है। फ्रेंड्स यहाँ आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे रानी का महल था। पूरे 7 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पे 87 तोप है। फ्रेंड्स ये है राजा और रानी का एंटरटेनमेंट जोन। फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। फ्रेंड्स ये असला खाना। फ्रेंड्स ये गोलकुंडा फोर्ट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल आज एंड सिस्टर्स। फ्रेंड्स आज हम लोग आए हैं गोलकुंडा फोर्ट और ये देखिए कितना बड़ा फोर्ट है। एंट्रेंस अभी हम लोग एंटर करेंगे और हम लोग को एकदम टॉप पे जाना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए। वो इतने चीटी जितने लग रहे हैं। वहाँ पे हम लोग को पहुँचा ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी हम लोग को और हम लोग आपको पूरा फोर्ट घुमाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे देखिए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल आज सर्च को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ आके पता चला कि 15 ईयर्स तक का फ्री है, लेकिन हम लोग 10 ईयर्स के हैं और हम लोग ने टिकट अडल्ट वाला ले लिया था। फ्रेंड्स ये देखिए इस किले की दीवारें कितनी बड़ी बड़ी हैं। इसको फतह करना इतना आसान नहीं है। चलिए अब अंदर गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जा रहे हैं और ये है गेट ऑफ बालाहिसार। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ताली बजाते हैं तो आवाज गूंजती है। देखिए फ्रेंड्स ये है मॉर्चरी बाथ और ये पर्शियन और टर्किश स्टाइल में और ऑब्वियसली यहाँ पे डेड बॉडीज को नहलाया जाता है। फ्रेंड्स ये नगीना गार्डन, उसके पीछे बड़ी पावली और उसके पीछे गन पाउडर स्टोर जहाँ पे वो लोग वॉर के लिए सारा सामान अपना गन्स एंड ऑल स्टोर करते थे। फ्रेंड्स ये 240 किलो का पत्थर है। जो भी किले में नौकरी करने आता था अगर वो इसे एक हाथ से उठा ले तो उसकी जॉब पक्की। फ्रेंड्स वो देखिए हम लोग को वो टॉप पे जाना है। सीढ़ियाँ देखिए कितनी सारी हैं। गोलकोंडे पर कुतुब शाहियों के 7 बादशाहों ने 1518 से लेकर 1687 तक हुकूमत की। फ्रेंड्स ये पहला पानी का टैंक है। दुर्गा सागर लेक पे चरखा चलाकर यहाँ तक पानी पहुँचाया जाता था, यहाँ से और ऊपर जाता था। फ्रेंड्स देखिए मेरे पीछे 7 टॉम्स, वहाँ पे भी हम लोग ने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर जाके देखिएगा। फ्रेंड्स कुतुबशाही बादशाह ने पहले से ही वो टॉम्स बनाए हुए थे और जब भी यहाँ पे कोई मरता था तो उन्हें ये देखिए ये रास्ता है यहाँ से ले जाके उस टॉम में दफनाते थे जिसका भी वो टॉम है। वो लोग मेन गेट से नहीं ले जाते थे, यहाँ से ले जाते थे। फ्रेंड्स अब मैं चढ़ने जा रही हूँ, 360 सीढ़ियाँ हैं। अभी आप मुझे ऐसे देखते हैं, जब मैं वापस आऊँगी आप देखिए मैं एकदम कशप जैसी टॉम। फ्रेंड्स वहाँ पीछे से यहाँ तक 7 दीवारें थी, उन दीवारों के बीच में भी मगरमच्छ थे तो अगर किसी दुश्मन को आना उसको 7 दीवारें पार करके आना पड़ता था। इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना, लेकिन फिर भी दुश्मन आ गए थे और हम भी आ गए। फ्रेंड्स नीचे मैंने आपको वाटर टैंक दिखाया, वहाँ से हैंडपम्प को चलाते थे और पानी यहाँ आके इकट्ठा होता था। ये 2nd वाटर टैंक है। फ्रेंड्स इस पूरे फोर्ट को बनने में 62 ईयर्स लगे थे और ये इतनी ऊंचाई पे पीछे का व्यू देखो, पूरा हैदराबाद दिख रहा है। घर ढूंढो अपने इसमें। गोलकोंडा की दीवारें काफी ऊंची और मजबूत है। इस किले का रकबा 5 मील है। किले में 9 दरवाजे हैं जिसमें फतेह दरवाजा, मोती दरवाजा, जमाली दरवाजा, बंजारा दरवाजा, पटन चेरू दरवाजा, मक्की दरवाजा वगैरह है।
मक्के दरवाजे का नाम मक्की दरवाजा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका डायरेक्शन मक्के की तरफ है। फ्रेंड्स ये देखिए पूरे फोर्ट का व्यू यहाँ से दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स वहाँ देखिए यहाँ पे तीसरा टैंक है, नीचे से ऊपर आता था और फिर यहाँ से और ऊपर जाएगा वो लास्ट टैंक, वो फोर्थ टैंक। और यहाँ से देखिए व्यू बंजारा हिल्स और सिकंदराबाद और हैदराबाद सब। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि बंजारा हिल्स का नाम बंजारा हिल्स क्यों पड़ा, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो राजा रहते थे उनके पास जो भी नाचने और गाने वाले आते थे वो सब वहाँ पे रहते थे, और अब वो पूरे हैदराबाद का पॉश इलाका बन चुका है और वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, वो सब वहीं पर रहते हैं। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं बंदी खाना रामदास। फ्रेंड्स ये है रामदास की जेल। रामदास को यहीं पे 12 साल के लिए बंद किया गया था, यहीं पे इसी रूम में बंद किया। रामदास भद्रचलम के तहसीलदार थे, उन्होंने बिना इजाज़त सरकारी खजाने से 6 लाख अशर्फी लेकर एक मंदिर तामीर की, जिसके बाद इन्हें यहाँ पर 12 साल की सज़ा मिली। सज़ा के दौरान इन्होंने पत्थर से तोड़ तोड़ कर जेल में ही मंदिर बनाई। मैं जा रही हूँ नीचे। फ्रेंड्स ये देखिए राशन का घोड़ा, यहीं पे सारा राशन ला के रखा जाता था, घोड़े ऊपर लाते थे और फिर सिटी में जिसको भी देना था वो रुक देते थे और हम लोग जस्ट टॉप पे। फ्रेंड्स अब हम लोग इस फोर्ट के एकदम टॉप पे आ गए हैं, गोलकोंडा फोर्ट के एकदम टॉप पे, और ये देख सकते हैं एकदम टॉप पे ये मस्जिद है। ये एकदम टॉप पे इसलिए ताकि इस पे कोई अटैक ना कर सके, और यहीं पे बादशाह नमाज पढ़ते थे इसलिए ये मस्जिद बनाई गई है। फ्रेंड्स इस किले की खास बात ये है कि इसे ऊपर से नीचे बनाते हुए लाया गया है, ना कि नीचे से ऊपर। फ्रेंड्स इस पूरे फोर्ट को बनाने के लिए 3 डायनेस्टीज चली गई और टोटल 60 ईयर्स लगे, और इस फोर्ट पे कोई भी फतेह नहीं कर पाया। मुगल एम्परर औरंगजेब ने इसको फतेह किया और 8 मंथ्स में पूरा फोर्ट उसने तोड़ दिया ताकि फिर इस पे कोई रूल ना कर पाए। फ्रेंड्स अब हम लोग एकदम टॉप पे आ गए। ये दीवाने आम और दीवाने खास है। दीवाने आम में मीटिंग्स होती थी और दीवाने खास में राजा और रानी बैठ के पूरे शहर का नज़ारा करते थे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर है, ये भी टॉप पे है और ये 1143 में बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंदी यानी कि एक बुल की शेप का पत्थर भी है यहाँ पे। फ्रेंड्स बुल को नंदी कहते हैं इसलिए इसको नंदी का मंदिर कहते हैं। फ्रेंड्स अब मैंने बोला कि वो मुझे डबल चीज पिज्जा खिलाएंगे, इसलिए मैं बस जा रही हूँ नीचे, नहीं तो मैं यहीं रुक जाती। 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कम से कम यहाँ पे एक कैंटीन तो होनी चाहिए ताकि हम लोग को एक पानी की बोतल ही मिल जाए। फ्रेंड्स ये देखिए पहले यहाँ पे शॉर्टकट था, ये बारिश की वजह से पूरा टूट गया इसलिए हम लोग को लॉन्ग कट से जाना पड़ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे रानी का महल था, ये महल, और यहाँ पे देखिए ये पूरा गार्डन है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, और वो देखिए पूरा डबल ट्रिपल स्टोरी महल था पूरा। देखिए औरंगजेब जब आया तो उसने पूरा तोड़वा दिया, अभी एकदम खंडर हो रहा है पूरा। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे तोप है और इसे सोना चांदी और पीतल मिला के इसको बनाया गया, उस वक्त बनाते थे, और पूरे 7 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पे 87 तोप हैं ताकि वो पूरे पड़े को प्रोटेक्ट करें। और फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं रानी के महल में। फ्रेंड्स ये है रानी का मेकअप रूम, और यहाँ तक आते आते मेरी शक्ल बिगड़ गई। अब सामने शीशा रहता था और बाकी सारी जगह छोटी छोटी जगह पे उनका सारा मेकअप कब बना था।
और ये रहा उनका ड्रेसिंग एरिया और यहाँ पे वो रहता था रोज वाटर जिससे वो हाथ मुंह धुलती थी तब भर के। फ्रेंड्स आजकल तो हम लोग एक छोटी सी शीशी खरीदते वो भी इतनी महंगी होती है, उन लोग का देखिए इतना सारा भरा रहता था। फ्रेंड्स ये है राजा और रानी का एंटरटेनमेंट जोन, वहाँ पे वो लोग पीछे बैठते थे और यहाँ पे जितने भी डांसर्स रहते वो यहाँ पे डांस परफॉर्म करते थे और ये दोनों जगह तबले होते थे और पीछे खाना बनता था। और फ्रेंड्स वहाँ पे दिए रहते थे, उसके आगे एक बड़ा सा हीरा रखते थे और एक ही हीरे से वो दिए की लाइट रिफ्लेक्ट होके पूरे महल में उसकी रोशनी जाती थी, रिफ्लेक्ट होके रेज जाते थे पूरे महल में। फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, इतनी दूर से सिबगा चाचू मम्मा आवाज़ कर रहा है और मुझे यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। मैंने अपना एक कान बंद किया और एक कान को दीवार के पास रखा, मुझे वहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पे एक कपड़े की भी आवाज़ आपको बहुत तेज से सुनाई देती है। यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है ना कोई माइक है, देखिए अभी मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए यहाँ पे आवाज टकरा के आती है। फ्रेंड्स ये कोर्ट है और यहाँ पे देखिए ऊपर वहाँ पे राजा और साइड वाले में रानी बैठते थे और ये ऐसा बना है कि अगर यहाँ से कोई चाकू भी मारेगा तो दीवार पे लग के नीचे गिरेगा और राजा रानी के पास नहीं जाएगा। फ्रेंड्स इस जगह को ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई आता भी था, जैसे अगर मैं आ रही हूँ तो उसकी भी आवाज़ पूरी गूंज रही है तो उससे सबको पता चल जाता होता कि कोई आया है। फ्रेंड्स वो देखिए आप लोग वो दीवार देख रहे हो, उसके पीछे सारे हाथी और घोड़े रहते थे और ये तारामती और प्रेमामती के नाम पे मस्जिद बनी है और हम लोग ने इनके टोम्स भी आपको दिखाए जहाँ इनकी कब्र है, तो वो वीडियो अभी जाके देखिए। फ्रेंड्स ये है मेहमान खाना यानी कि ड्राइंग रूम और मेहमान आते थे तो यहाँ से आके खा पी के मिल के फिर यहीं से चल जाते और वहाँ से आम लोग जाते हैं और यहाँ से स्पेशली राजा रानी अंदर जाते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट जा रहे हैं असला खाना देखने, चलिए। फ्रेंड्स ये असला खाना, यहाँ पे आप लोग अंदर देख सकते हैं राइफल है और वो इतनी बड़ी है कि दो लोग को एक साथ मिल के चलाते हैं और वो 12 फीट की है। और अंदर 50 केजी का पत्थर का गोला भी है जो किले के ऊपर से फेंकते थे अटैक के लिए। फ्रेंड्स असला खाने में टोटली 150 रूम है जिसमें हथियार रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग ने पूरा गोलकोंडा फोर्ट देख लिया, मैंने टोटली 360 सीढ़ियां चढ़ के आपको पूरा अंदर से दिखाया है, देख सकते हैं अभी पूरा फोर्ट दिख रहा है। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आजमी सिस्टर्स को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साइड वाले बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हमारी वीडियो आपको सब्सक्राइब मिल जाए। अब हम मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।